नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो बताएंगे कि किस प्रकार से आप 3 साल से 6 साल के बच्चे को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे पोषण ट्रैक में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो आपका यहाँ पे पोषण ट्रैक है, तो आपको क्या करना है कि पोषण ट्रैक पर इस तरह से आपको क्लिक कर लेनी है। तो आपको इस तरह से क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेज खुल के आएगी, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे लॉग इन टू योर अकाउंट। तो इस तरह से आपको ये इंग्लिश में दिया गया है। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है हिंदी या इंग्लिश या गुजराती या कोई भी लैंग्वेज। तो यहाँ से आपको यहाँ पे मिल जाएगी आपको जो भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं इसको भरना। तो आपको यहाँ पे जो भी लैंग्वेज चाहते हैं तो आप यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम ये लैंग्वेज पर क्लिक करते हैं, फिर हिंदी पे इस तरह से क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अपने अकाउंट में लॉगिन करें। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखा गया है और इसके बाद नीचे में दिया गया है आपको यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे एम पिन दर्ज करें। तो ये 4 अंकों का एम पिन होता है। तो चलिए हम इसको दर्ज कर लेते हैं। तो मेरा आईडी इस तरह से है, तो ये देख सकते हैं कि मेरा आईडी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लिए, जो आईडी मेरा है सो मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डाल लिए, जो मेरा ऑफिस में दिया हुआ है मोबाइल नंबर डाल लिए। यहाँ पे 4 अंकों का जो पासवर्ड यहाँ पे हमने डाल लिया। डालने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे दिया गया है लॉगिन, क्या करनी है कि यहाँ पे आपको क्या करनी है कि लॉगिन इस तरह से क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपको इस तरह से पेज खुल के आएगी। तो हम इस सारे का वीडियो पहले भी बता चुके हैं, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताएं और 0 से 6 महीने के बच्चे और 6 से 3 साल के बच्चे, इस तरह से आपको यहाँ पे सभी का बता चुके हैं। तो क्या करनी है कि आपको इस तरह से आपको यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है पहले से। तो आपको क्या करनी है कि यहाँ पे लाभार्थी जोड़े, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट बार यहाँ पे आपको लाभार्थी जोड़नी है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर लेनी है इस तरह से। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से पेज खुल के आ जाएगी और यहाँ पे दिया जा रहा है, जो यहाँ ऊपर में दिया गया है, लाभार्थी का नाम, आधार नंबर, यहाँ पे स्वास्थ्य आईडी, यहाँ पे जन्म की तारीख। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सभी दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है जन्म की साल। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा लिंक है, जो लाभार्थी है वो कौन है, मेल है या फीमेल है, और उनका पिता का नाम, उनका माता का नाम और मोबाइल नंबर इस तरह से आपको दी गई है। तो चलिए हम इसको डालते हैं। तो मेरा लाभार्थी का नाम यहाँ पे सुमन कुमारी, यहाँ पे सुमन कुमारी के नाम से है, और इनका आधार नंबर है, और इनका आधार नंबर ये है, और उसके बाद इनका स्वास्थ्य आईडी खोज रहा है। तो आपको क्या करनी है कि स्वास्थ्य आईडी छोड़ देनी है। उसके बाद आपको नीचे में दिया गया है यहाँ पे जो जन्म की तारीख, तो उनका जन्म कब हुआ था, जो 3 साल से 6 साल के बच्चे होंगे उनका जन्म डेट जो होंगे वो आपको यहाँ पर डाल लेनी है। तो चलिए हम डाल के दिखाते हैं। मेरा लाभार्थी का जन्म तिथि है 12/3/2017। तो इस तरह से मेरा जन्म तिथि डाल लिए। अगर हमारे यहाँ पे साल अगर पता, यहाँ पे सिर्फ जन्म तिथि नहीं पता रहता, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे डेट और मंथ यहाँ दिख रहा होगा, तो अगर ये आपको पता नहीं रहता तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे साल यहाँ पे लिख सकते थे, जो यहाँ पे जो हम साल यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे 2017, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या करनी थी कि यहाँ पे 2017 यहाँ पे डाल सकते थे। लेकिन आप यहाँ पे जो दे दिए हैं यहाँ पे जन्म की तारीख, तो आपको यहाँ पे जन्म की साल नहीं लिखा सकती। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं होगा। तो इस तरह से आपको जन्म की तारीख अगर डाल लेते हैं, उसका जन्म की साल अगर डालते हैं तो नहीं डलाएगा। आगे आपको क्या बताई जा रही है, जो यहाँ पे लिंक पूछ रहा है, तो आपका जो लिंक है बच्चे का तो क्या है, तो ये फीमेल है तो फीमेल पे मार देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर में दिए गए हैं लाभार्थी का नाम, उनका पिता का नाम क्या है, तो आपको इनका पिता का नाम डाल लेना है। तो चलिए डालते हैं। सूरसा, तो इस तरह से हमने उनका पिता का नाम डाल दिया। और उसके बाद नीचे में बोल रहा है कि उनका माता का नाम, तो आपको क्या करनी है कि यहाँ पे उनका माता का नाम डाल लेना है। तो यहाँ पे उनका माता का नाम, तो चलिए उनका माता का नाम डाल लेते हैं।
तो इस तरह से उनका माता का नाम डाल लिए। डालने के बाद आपको नीचे में दिया जा रहा है जो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर लाभार्थी यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आपको क्या करनी है कि मोबाइल नंबर अगर लाभार्थी का हो तो लाभार्थी का भी डाल सकते हैं, पिता माता है, मतलब इनमें से किन्हीं का मोबाइल नंबर हो आपको यहाँ पर डाल लेनी है। तो चलिए डाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने डाल लिया और डालने के बाद आपको नीचे में दिया गया है आगे आपको कुछ नहीं भरना है। और उसके बाद नीचे में दिया गया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे है सबमिट करें, तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेनी है। इस तरह से जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपलोड हो। तो इस तरह से आपको कुछ समय लेगी और आपको यहाँ पर रुक जानी है और थोड़ा समय लेगी ये ऐप जो भी आप अपडेट करिएगा, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाभार्थी को हमने इस तरह से प्रोफाइल एक लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन किया जिसमें 3 साल से 6 साल के बच्ची थी। तो इस तरह से आप सभी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नीचे में फिर से दिया गया है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लाभार्थी जोड़े, तो इस तरह से आप लाभार्थी जोड़ सकते हैं फिर से जो भी हो। तो इसी तरह से आप लाभार्थी जोड़ते रहिए। तो थैंक यू, इसी तरह से आप करते रहिए। तो थैंक यू हमारे YouTube में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो थैंक यू हमारे YouTube में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।